मेरा नाम अर्पित यादव है। मैं इंदौर शहर मध्य प्रदेश एमपी से हूँ, और मेरे पेट में स्टोमक में बहुत ज़्यादा पेन रहता था, और वो पेन इतना ज़्यादा रहता था कि मुझसे सहन नहीं होता था। मीन्स बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। इंदौर के कुछ हॉस्पिटल्स में मैंने इलाज कराया तो मुझे पता चला मेरे पेनक्रियाज में कुछ तकलीफ़ है, पर वो लोग एडमिट करते थे, कुछ 5 से 7 दिन एडमिट रखते थे, बोटल्स चढ़ाते थे, बट परमानेंट उसका सोल्यूशन, परमानेंट इलाज नहीं हो पाता था। कुछ 2 महीने बाद या 1 महीने बाद फिर वापस पेन होना चालू हो जाता था, और कुछ खा नहीं पाता था मैं। कुछ खाने के बाद में या तो वोमिटिंग होता था या फिर बहुत तेज पेन होता था। फिर मुझे मेरे कुछ कलीग्स के थ्रू पता चला यहाँ पेस हॉस्पिटल का, हैदराबाद का, और मैंने नेट पे भी सर के बारे में, गोविंद वर्मा जी के बारे में सर्च करा, और मुझे पता चला पेन बहुत ज़्यादा था, तो मैं इनसे यहाँ पर मिलने आया, मुलाकात हुआ, और कुछ मेरा यहाँ पर रिपोर्ट्स और जांच हुई। उसमें पता चला कि पेनक्रियाज में मेरे स्टोन और कुछ नसें ब्लॉकेज हैं, तो उन्होंने फिर इसका ऑपरेशन किया, ERCP हुआ, और वो होने के बाद में कुछ एक स्टेंट लगा जो नसें मेरी ब्लॉकेज थी उसको ओपन करने के लिए। वो ओपन होने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। मीन्स 2 मंथ हो चुके हैं उसको लगे, और अभी मैं कुछ भी खा सकता हूँ। पहले कुछ भी नहीं खा सकता था, बहुत प्रॉब्लम थी। मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि ओनली जूस पीने को डॉक्टर ने इंदौर में बोला था, बट यहाँ पर जब ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुली हुआ, उसके बाद अभी कुछ भी तकलीफ़ नहीं है। 2 मंथ बाद डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप आइएगा और दोबारा कुछ चेकअप होगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये स्टेंट जो लगा हुआ है मेरे स्टोमक में वो भी रिमूव कर दिया जाएगा। हॉस्पिटल की सर्विसेज काफ़ी अच्छी रही, बढ़िया रहा। मैं 4 या 5 दिन यहाँ एडमिट रहा, और बढ़िया सर्विस था, सब कुछ ठीक रहा।